जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और आपका स्वागत है स्वाति कुकरी में। मैं आप सब लोगों के लिए लेके आई हूँ जन्माष्टमी के पावन पर्व पर बनने वाला यूपी का स्पेशल प्रसाद। ये हमारे इधर जन्माष्टमी बनता है, आप मथुरा से आगे लेकर के कानपुर, बनारस, इलाहाबाद कहीं भी जाइए, आपको ये प्रसाद जरूर खाने को मिलेंगे। इसमें मैं बनाने वाली हूँ आज गुड़ से पके हुए मखाने, बड़े ही अच्छे लगते हैं खाने में। यूपी में अगर कोई त्यौहार हो और घी गुड़ का इस्तेमाल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हम अपने कान्हा के लिए जरूर लगाते हैं भोग गुड़ से पके मखानों का। मखाना गुड़ पाक बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? इसके लिए मैंने लिया है 50 ग्राम मखाना, इसके लिए मैंने लिया है ये लगभग 200 ग्राम गुड़ है, ये 220 ग्राम का केक है धामपुर गिरी गुड़ गुड़ का, ये बहुत मीठा होता है, तो हम इससे लगभग 50 ग्राम मखाने में 100 ग्राम गुड़ डालेंगे, इसका हाफ डालेंगे, और इसमें पड़ेगा घी लगभग 4 से 5 टेबल स्पून। बस ये 3 इंग्रेडिएंट में ही हमारा गुड़ पाक मखाना बन जाता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और उनको इसमें पड़ेगा सौंठ पाउडर। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना मखाना पाक। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसे मीडियम लो फ्लेम पे चढ़ाएंगे। अब उसमें हम डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून घी, और इसमें हम अपने डाल देंगे मखाने। अब इन मखानों को हमको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, लगभग इसमें हमें 10 से 15 मिनट लगेगा। पहले हम हाई फ्लेम में हीट करेंगे, जब हमारे मखाने घी अब्सॉर्ब कर लेंगे सारा, जब हमारे मखाने सारा घी अब्सॉर्ब कर लेंगे तब हम इसमें डालेंगे, इसको गैस को फ्लेम को कर देंगे धीमा, और अब इसको भी 5 से 7 मिनट के लिए आराम से धीमे धीमे से पकाएंगे। जब ये पक जाएंगे तो इसमें एक अच्छी सी साउंड आने लगेगी क्रैकलिंग की। देखिए मखानों ने सारा घी अब्सॉर्ब कर लिया है, अब हम फ्लेम को कर देंगे धीमा। अब धीमी फ्लेम में ही 5 से 7 मिनट के लिए हम पकाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके मखाने सौगी रह जाते हैं, बहुत अच्छे क्रिस्पी नहीं बनते हैं, तो इसका एक ही फंडा है बनाने का। आप कुछ भी कीजिए, आप फैट घी डालिए ना डालिए, बिना घी के भी आराम अच्छे से बन जाते हैं। बस आप इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कीजिए ताकि मखाने सारा मॉइस्चर रिलीज कर दें, क्योंकि मार्केट में जो मखाने मिलते हैं वो रखे रहते हैं और मखानों की टेंडेंसी होती है ये एटमोसफियर का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें उस मॉइस्चर को इससे निकालना है, उस मॉइस्चर को। इसके लिए आप इसको स्लो रोस्ट करेंगी तो सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। अगर कैमरे में आपको दिखाई पड़ रहा हो तो शायद दिखेगा आपको कि इससे हल्का हल्का धुआं सा निकल रहा है, वो मॉइस्चर है जो मखानों के अंदर है। मुझसे कई बार क्या होता है, मखाने इतने ज्यादा मॉइस्ट होते हैं कि जब आप धीरे धीरे उन्हें भूनते रहिए तो एकदम बिल्कुल हाफ रह जाते हैं अपने साइड में, तो आप ऐसे मखाने मत लीजिए, थोड़ा सा ड्राई मखाना लीजिए। अगर आपके मखानों में बहुत मॉइस्चर है तो पहले उन्हें सन ड्राई कर लीजिए, इसके बाद आप उन्हें, अगर सन नहीं है आपके इधर रोस्ट, क्योंकि जन्माष्टमी है, बारिश का सीजन होता है, इस सीजन अक्सर सन नहीं होता है, तो आप इनको माइक्रोवेव कर सकती है 30 सेकंड के लिए। आप मखानों को माइक्रोवेव कीजिए, मखाने एकदम बढ़िया से क्रिस्पी हो जाते हैं 30 सेकंड में ही। मगर आप जब अगर मखाना पाक बना रही हैं तो आप उसको एक बार कढ़ाई में डायरेक्ट हीट में भी एक बार अच्छे से रोस्ट कीजिए, क्योंकि इससे अच्छे से क्रंची हो जाते हैं एकदम बढ़िया से। अब इसको ऐसे पकाएंगे, जब इससे थोड़ा सा साउंड निकलने लगेगा तब हम इसको बंद कर देंगे, इसमें हमें 5 से 7 मिनट लगेगा। मखाने भून रहे हैं अच्छे से, देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है, बढ़िया से इनका कलर चेंज हो गया है। अब हम इन मखानों को पैन से निकाल लेंगे, हम गुड़ इसमें हम डालेंगे, इस तरीके से हम काट लेंगे, गैस एकदम कर लीजिए धीमी, इसमें इस तरीके से काट करके आप गुड़ को, आप तोड़ के भी डाल सकते हैं, इस तरीके से आपको गुड़ ऐड कर देना है। हम ये मैंने लगभग लिया है 100 ग्राम गुड़ लिया है, हमने 50 ग्राम मखाने लिए हैं जो हमने फ्राई किए थे, उसमें हम 100 ग्राम गुड़ यूज करेंगे। इसमें मैं लगभग 20 से 30 ग्राम पानी डालूंगी। अब इनको हमें बिल्कुल चलाते हुए पहले रखना है गैस को धीमा, क्योंकि हमें गुड़ को पिघलने का मौका देना है। जब गुड़ पिघल जाएगा अच्छे से, तब हम करेंगे फ्लेम को तेज पानी जलाने के लिए। अभी हमें इस गुड़ को अच्छे से पिघला लेना है, बराबर चलाते रहिएगा नहीं तो गुड़ लग जाएगा पेंदी में। इसको हमें इस तरीके से बराबर चलाना है। 1 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर मिलता है गुड़ को।
गुड़ के साथ में जिंजर पाउडर का मिक्सचर बहुत अच्छा लगता है। इसको हमें चलाना है, इसको इसमें मिक्स कर देना है अच्छे से जिंजर पाउडर को। देखिए गुड़ पिघल गया है, करेंगे हम फ्लेम को तेज और बनाएंगे इसकी एक अच्छी सी चाशनी। जब गुड़ की चाशनी आप कैसे पहचानेंगे, एक तो देखिए वो एक तार की चाशनी बनती ही है, जैसे मगर गुड़ ना व्हाइट होना शुरू हो जाता है जब पक जाता है, जब गुड़ की दही अभी व्हाइट बनना शुरू हुआ ना, बस ये एकदम व्हाइट व्हाइट सा बनने लगता है। इस स्टेज में ऐड करेंगे हम इसमें लगभग 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी इसको बहुत बढ़िया मिठाई जैसा एकदम फ्लेवर दे देगा इस गुड़ को। अब बराबर चलाते रहना है, गैस तेज रहेगी हमारी। अब देखिए मैं आपको पहचानना बताती हूँ कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि गुड़ की चाशनी, आप कैसे पहचानेंगे कि गुड़ की चाशनी डन है या नहीं। एक कटोरी एक प्लेट में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें एक साइड में इसको गुड़ को रखिए और इस तरीके से आप पानी ले जाइए, वापस ले आइए इस तरीके से। देखिए गुड़ अपनी जगह पर बिल्कुल बढ़िया से बन जाएगा, गोली बनने लगेगा। अभी देखिए नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसको पानी इसमें घुल रहा है पानी में, तो इस तरीके से इसको देखना है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बन गया है ये। देखिए किनारे एकदम व्हाइट व्हाइट होने लगे हैं ना, बहुत तेजी के साथ में गुड़ बनता है। ये देखिए एकदम परफेक्ट बन गया, ये देखिए एकदम गोली बन गया ना, एकदम परफेक्ट गोली। ये देखिए एकदम परफेक्ट गोली बन गया, अभी बन गया है। अब इसमें ऐड करेंगे मखाने, बहुत तेजी के साथ में गुड़ बनता है। ये लास्ट की स्टेज बड़ी क्विक करने वाली होती है इसको। अब इसमें जल्दी से इसको कोट कर लीजिए और इसमें थोड़ी देर इसको पका लीजिए। पकाने से ना केवल हमारे मखाने चाशनी पी लेंगे बल्कि एक अच्छा सा कोट बन जाएगा उनके ऊपर, और अंदर से भी हमारे मखाने बढ़िया से मीठे हो जाएंगे। और हम बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारे मखाने आपस में चिपके रह जाएंगे अगर हम इनको चलाएंगे नहीं। चाशनी अगर सूखना शुरू कर देगी और हम छोड़ देंगे तो हमारे मखाने अलग अलग नहीं होंगे, वो एकदम चिपक के बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मैं चिक्की बना दी है मखाने की। इसलिए आप इनको चलाते रहिए, गैस आप धीमी कर लीजिए, एकदम बिल्कुल धीमी फ्लेम कर लेनी है। और अब इसको कम से कम 2 से 3 मिनट इसी फ्लेम पर आपको चलाना है, थोड़ा सा धीमी फ्लेम पर पकाना है ताकि मखानों के अंदर भी चाशनी चली जाए और हमारी कढ़ाई के बॉटम में बिल्कुल भी चाशनी ना बचे, सब मखानों के ऊपर कोट हो जाए। अब कर देनी है फ्लेम को ऑफ। आप चाहें तो उसको फैन के नीचे लेके बैठ जाइए और बराबर मार चलाते रहिए जब तक कि गुड़ थोड़ा ठंडा ना हो जाए। ये हमारे मखाना पाक एकदम रेडी हो गया है, रेडी हो गए हैं। अब इनको ठंडा होने में, गुड़ है ठंडा होने में टाइम लगाता है, लगभग 5 से 7 मिनट बनेगा। ये शक्कर की तरह फटाफट ठंडा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगाएगा। और इसको बीच बीच में चला लेना है ताकि मखाने हमारे आपस में चिपके नहीं, अलग अलग रहें। ये लीजिए हमारी गुड़ कैरमलाइज मखाने तैयार हैं। ये बन भी हमारा जन्माष्टमी का भोग बहुत ही बढ़िया बनता है। मेरी ये जन्माष्टमी के प्रसाद की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जय जय श्री।